चलिए लिखिए आगे। आज का जो हम लोगों का डेरिवेशन है वो है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर। यानी ये कहता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कुलर वायर ले लेते हैं और इसी केस में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए, ये इस सर्कुलर जो वायर हमने लिया है इसका सेंटर, ये इसका रेडियस आर वेक्टर, और इसके टेंजेंट पर ये डीएल वेक्टर, लेंथ वेक्टर। आर वेक्टर और इस डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ऐसे ही हम अगर चाहें तो इस सर्कुलर वायर के किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट के रूप में लेंथ वेक्टर को दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको आर वेक्टर दिखा लें तो यहाँ से इसका टेंजेंट इधर हो जाएगा, तो ये इसका डीएल वेक्टर हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर इसके बीच का एंगल कितना, 90। ऐसे ही हम चाहें हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये इसका आर वेक्टर और ये इसका टेंजेंट जो इसका डीएल वेक्टर हो जाएगा, और अभी भी इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है अभी भी। फिर आप यहाँ भी चाहोगे ये आपका आर वेक्टर और टेंजेंट आप यहाँ पे डालोगे तो ये इसका डीएल वेक्टर और यहाँ भी इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब हम इसमें करते क्या हैं, अकॉर्डिंग टू, आप इस फिगर के जस्ट नीचे लिखिएगा इसको, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और बायो सावर्ट लॉ ने हम लोगों को ये सिखाया था कि डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बाई में आर क्यू। अब ये हम यहाँ पर डीबी वेक्टर का मोड निकालते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, और ये जैसे ही हम इसका मोड कर रहे हैं तो यहाँ हमको क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ना होगा, तो आई इधर से डीएल वेक्टर का मोड, आर वेक्टर का मोड और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, और बाई में क्या हो जाएगा, आर क्यू। डीबी वेक्टर में मोड लगा, मोड का कहानी खत्म, मोड से ये वेक्टर साइन गायब होगा तो डीबी बचेगा, तो इधर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा और बाई में आर क्यू। ये आर से ये एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा, तो मेरे पास इसका वैल्यू जो आ गया, डीबी जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग बार बार इतना करते आ रहे हैं। अब यहाँ जो थीटा है वो थीटा हम कितना ले इसमें, वो थीटा का वैल्यू देखना है। सबसे पहले हम जहाँ पे साइन लगाए हैं वो साइन हम डी एल आर वेक्टर के बाद लगाए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो तोड़े हैं वो डी एल क्रॉस आर वेक्टर के लिए तोड़े हैं, तो इसका मतलब ये साइन थीटा जो है यह एंगल उसी के बीच का लिया जाएगा जहाँ पे डी एल और आर होगा। तो डी एल यहाँ है और आर यहाँ है, तो डी एल और आर के बीच का एंगल कितना है, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू कितना लिया जाएगा, 90। तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 90, तो ये डी बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 अब बाई में आर स्क्वायर।
साइन 90 कितना हो जाएगा, तो जीरो कितना हो जाएगा, वन होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली वन से मल्टीप्लाई होकर के ये इतना ही रह जाएगा आईडीएल बाई आर स्क्वायर। अब यहां जो डीबी जो आपको मिल रहा है ये इस जगह पे डी लग गया, इसका मतलब स्मॉल चेंज, डी लग गया इसका मतलब स्मॉल चेंज। और मुझे निकालना पूरे लूप पर है, ये जो सर्कुलर लूप मेरा है पूरे लूप पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉइंट पर निकालने से तो काम चलेगा नहीं, पूरे पॉइंट पर निकालना पड़ेगा। हमने डीबी का मतलब किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और मुझे निकालना है पूरे सर्कुलर लूप पर। तो पूरे सर्कल में एक ही पॉइंट थोड़ी है, बहुत सारा पॉइंट है। बहुत सारा पॉइंट होने के लिए मुझे क्या करना होगा, सभी पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं विच इज ऑन इंटीग्रेशन। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। डी बी का इंटीग्रेशन बी इधर से म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बन के बाहर, यहाँ पर ये डी एल का इंटीग्रेशन। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर और डी एल का इंटीग्रेशन एल। और यहाँ जो ये एल है यह एल सर्कमफेरेंस का काम करेगा, किसका काम करेगा, क्योंकि जैसे ही आप पूरे पॉइंट को उसमें शामिल करेंगे, जैसे ही आप उस सर्कल के पूरे पॉइंट को शामिल करेंगे तो उस जगह पे वो पूरा का पूरा ऐसे जो आएगा वो पूरा सर्कल को घेरेगा, और पूरा सर्कल को जब घेरेगा वो चार्ज पार्टिकल वहाँ पर, तो इसका मतलब वह सर्कमफेरेंस बना देगा। क्या बना देगा, सर्कमफेरेंस। सिर्फ एक पॉइंट लिया जाता तो रेडियस, नहीं उसका अपोजिट लिया जाता तो रेडियस का अपोजिट करते तो दोनों साइड मिला के डायमीटर। अब पूरे सर्कल के पॉइंट पर निकलेगा तो पूरा को घेर दिया सर्कल को, वो तो सर्कल को पूरा जैसे ही घेरा तो उसका सर्कमफेरेंस यानी परिधि। बस समझ में आया, तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी हो जाएंगी, तो 2 पाई आर। तो बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई बाई टू पाई आर। अब ये आर से इसका स्क्वायर ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, टू से ये वाला फोर टू टाइम्स में कटा, तो बी इज इक्वल टू कितना आया, तो बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू आई बाई टू आर। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, एक नोट यहाँ पर लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि जिस सर्कुलर लूप पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसी सर्कुलर लूप को अगर उसको एन बार घुमा दिया जाए, एन बार लपेट दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ टर्न्स, टी यू आर एन एस, टर्न्स मतलब फेरों की संख्या। मतलब जिस सर्कुलर लूप की आप बात कर रहे हैं, जिस सर्कुलर वायर की बात कर रहे हैं, उसको अगर एन बार लपेट दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो कहता है कि इन दिस केस व्हेन एन नंबर ऑफ टर्न्स आर रोटेटेड देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी। मतलब ये हुआ कि अगर उस केस में अगर आप सर्कुलर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप रोटेट कर देते हैं एन बार तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिला है वो तो रहेगा ही रहेगा, फर्क ये है कि जितना बार घुमाइएगा उसमें एन से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। अगर 1000 बार घुमाइएगा तो 1000, 5000 बार घुमाइएगा तो उसका वैल्यू 5000, मतलब जितने बार आप घुमाओगे उतना से आप उसके एन के जगह पे मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, चलिए पहले इसको लिखिए, स्टार्टिंग से लिखिए, पहले थोड़ा सटा नीचे करो तो कुछ नहीं दिख रहा है। और थोड़ा बस
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेट के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को बार बार देखा करो, उसको बार बार लिखा करो। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 को डेरिवेशन होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, उसी को बार बार करिए। 20 को 2 नंबर होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, उसको बार बार लिखा करिए। जिसका जिसका पढ़ाई में वीक होता जाएगा, बहुत जल्द उसको दोबारा बुलाएंगे हम। बस ये घाव ठीक होने का वेट कर रहे हैं, सिर्फ बगल वाला घाव का, वो जल्दी भरिए नहीं रहा है। पूरे बैच को नहीं बुलाएंगे, जिसका जिसका वीक होगा उस सबको। और पूरा कॉपी भी याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो दिसंबर जनवरी के भरोसे हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं इस बार, वो पहले ही से कंप्लीट करते चलिए। मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 को डेरिवेशन कंप्लीट कर ले तो बिहार बोर्ड का ताकत नहीं कि एक को वो छूट जाएगा। 50 से 60 को 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर ले तो एको क्वेश्चन नहीं छूट जाएगा, और 700 से 800 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ले तो एको को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो पहला पड़ाव यही रहेगा। बढ़ा दे आगे। अब देखो, जितना डेरिवेशन तुम लोग कर रहा होगा, कल जितना प्रूफ किया होगा लगभग आधा लाइन तो फिर आज उसी का रिपीट हुआ है। बायो सावर्ट लॉ पढ़ा होगा, उसी का डेरिवेशन, उसी का लाइन तो बार बार रिपीट कर रहा है। मैग्नेट चैप्टर में ये बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, यही दो को बार बार रिपीट करेगा। सब एक मतलब एक दूसरे के जैसा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा और नया डेरिवेशन आएगा, और कुछ नहीं। बढ़ाऊँ आगे? अभी कुछ महानुभाव सर लिख ही रहे हैं, लिखने दो। डिजाइन बना रही है, ऐसे डेरिवेशन सब को तो खुद से समझ के बना सकते हैं। आगे बढ़ाएं। आज 11th को थोड़ा अधिक पढ़ाना है, इसीलिए 12th को थोड़ा कम।